नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार साहिब आनंद नगर में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया। सभी धर्म प्रेमियों से विनती है, सब आगे खुशियां मनाएं और सेवा करें। यह जानकारी मुख्य सेवादार जितेंद्र पाल सिंह गिल ने मीडिया को दी। इस अवसर पर विधायक एवं मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर पार्षद राजेश चौक से MIC सदस्य छाया ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य कुंजीलाल मीना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। आज सरबंस दानी साहिब कमाल दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार साहिब आनंद नगर में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सर्व संगत नू देशवासियों को लख लख बधाई गुरु साहब के प्रकाश पर्व की। 3 दिन से चल रहे कार्यक्रम आज दिन भर फिर चलेंगे। अभी ढाडी जत्थे का कार्यक्रम चल रहा है, 2 बजे के बाद फिर गुरु का लंगर अटूट बरतेगा सब संगत के लिए। ऐसे महान गुरु का हम प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, जिन्होंने इस देश तब कहीं जाके ये देश बचा, नहीं तो यहाँ देश में एक ही किस्म का राज होता जो कि हमें सबको खत्म करके बनाना चाहते थे। इसलिए सबको मिलके ऐसे गुरु का प्रकाश दिहाड़ा मनाना चाहिए। मेरी तरफ से सबको लख लख बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रधान सेवक जितेंद्र पाल सिंह गिल, गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार साहिब आनंद नगर। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। और बहुत जो 550 साल बाद जो कलंक लगा हुआ था बाबर का, उसको उतार के आज हुआ मंदिर बना है, जो कि पहले भी मंदिर ही था। इसलिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अभी जो ढाडी जत्थे का प्रोग्राम चल रहा है, रात भी उनका 7 से 9 कार्यक्रम था, अभी भी 2 बजे तक चलेगा। कि भाई दलेर देसा सिंह दलेर ग्राम बलटोहा जिला तरन तारण साहब पंजाब से आए हैं और इनका जत्था गुरु साहब का जो इतिहास है, जीवन पे इतिहास वीर रस कविताएं पढ़ के संगत को निहाल कर रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।